बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूं कि हिंदुओं ने गलत प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि बाबरी मस्जिद की जगह इनके भगवान राम की जाए पैदाइश हुआ करती थी, जबकि ऐसे कोई शवाहिद नहीं पाए गए। राम मंदिर बनाने के नाइंसाफी पर मबनी फैसले पर इन हिंदू वकील का गुस्से से बुरा हाल है और उन्होंने कितनी बड़ी बात बता दी कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ने की बजाय हिंदुओं के मंदिर तोड़कर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं। मुसलमान मस्जिदों में सिर्फ इबादत करते और कुछ भी गलत नहीं करते, जबकि हमारे मंदिरों में गंद घोला जाता है, गलत बातें की जाती हैं। और इन साहिब की बात सुनकर मैं आपकी मालूमात में इजाफा करती चलूँ कि इनके यहाँ मंदिरों के बहाने जाने वाले नौजवान लड़के लड़कियाँ जो हदें क्रॉस कर रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ख्वातीन मर्द की कितनी वीडियोज़ वायरल हैं, औरतें मंदिरों में जाकर किस तरह बदकारी करती हैं। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई हक नहीं पहुंचता और किसी को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी की भी इबादत गाह को तोड़ें, शहीद करें या इस तरह के कोई भी इकदाम करें। हर एक का ये हक बनता है कि वो अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करें और अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करें, और ये सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए और मोदी को चाहिए कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करें। आगे वकील साहब की वीडियो मुलाजा फरमाएं और आखिर तक देखिएगा। कह रहे लात मारेंगे हमें ऐसी दान पेटी की चाबी में। दलित को वहां जाने नहीं चाहिए, हमारा कोई मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में। दलित को वहां नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है क्या? नहीं, क्यों? मैं क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर ने किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना, मस्जिद के लिए भी ऐसा? मस्जिद के लिए भी नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते मंदिर में। मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते, वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों, कौन मना कर रहा? मंदिर भी तो रहो रखो। तो आप मेरे से क्यों कह सकते हैं कि आप दलित को मंदिर में जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं दलित को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी गरीब समझदार व्यक्ति को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसको जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान मिलेगा तो उजाला फैलेगा, अगर ज्ञान नहीं मिलेगा इस देश में कुछ नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा की हालत बना दी है इन्होंने, इस सरकार ने, आरएसएस ने, इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला। नहीं, शिक्षा नहीं, डर है। किस बात का डर है? गिरफ्तारी हो रही है, 200 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। मैं कह रहा हूँ 2000 लोगों की भी गिरफ्तारी हो, 2 लाख लोगों की भी गिरफ्तारी हो तो क्या फर्क पड़ता है? इंसाफ के लिए क्या कुर्बानियां दी नहीं है? ये दी नहीं जानी चाहिए? इस डरना किस बात का है?